कंगना हूं और एक सिंगल मदर भी हूं। मेरा जीवन यापन सिर्फ नृत्य के जरिए ही होता है। जब डांस ही हमारा जीवन है तो हमारा इनकम भी उसी पर निर्भर है। अगले एक दो महीने ऐसे ही चला तो हम जैसे आर्टिस्ट लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक नृत्य प्रस्तुति में सिर्फ एक नृत्यांगना ही नहीं, इसमें वादक, लाइट मैन, मेकअप मैन, स्टेज, ऐसे बहुत लोग काम करते हैं जिनके पास अभी कोई काम नहीं है। आने वाले एक साल तक कोई भी परफॉर्मेंसेस नहीं होगी, लाइव परफॉर्मेंस, तो उसकी वजह से भी हमें भी हमारे अर्निंग सोर्सेज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए हैं। ना तो परफॉर्मेंस से हमें पैसा मिलेगा और ना ही क्लासेस से कोई पैसा मिलेगा। जिन बच्चों के पास अगर हम कहें कि डाटा या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उन बच्चों से हम कह सकते हैं कि क्लासेस भी आप ऑनलाइन करिए, बट हम प्रेशर नहीं डाल सकते। और जिन बच्चों के पास नहीं है, हम उनको कैसे बोलें कि आप ना कि आप क्लास लीजिए। मैंने तकरीबन 3 महीने से घर का किराया नहीं दे पाया और राशन पानी के लिए भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हमें आ रही है। आने वाले टाइम में कम से कम ये लॉकडाउन खुल भी जाएगा, उसके बाद भी इन्होंने कम से कम 5-6 महीना काम नहीं मिला। वर्कशॉप जो होते थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, जिसकी वजह से थोड़ा अमाउंट कुछ सेविंग कर पाती थी। लेकिन अब तो सोच के ही डर लग रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जितने भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे छोटे छोटे, वो सब बंद हो गए, जिसके कारण मुझे पेमेंट भी नहीं मिली। हर कोई मुझे यही बता रहा है कि उनके पास खुद ही काम की कमी है, वो खुद ही मतलब ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो मुझे इसी बात का डर है कि मतलब मैं कैसे मैनेज करूंगी और कैसे नहीं। भारत में ऐसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जिन्हें सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। ऐसे में हमारे लिए रोजमर्रा का खर्च उठाना भी बहुत भारी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार हमारी और अपना ध्यान दें।